गाइस ये रहा बॉक्स पोको F1 का, इसे मैंने ऑर्डर करा था फ्लिपकार्ट से और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इसी पोको F1 की। ये मेरे चैनल पे दूसरी अनबॉक्सिंग है तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। वैसे पैकेज तो काफ़ी अच्छा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, कार्डबोर्ड बॉक्स है अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। ये वाला वेरियंट जो मेरे पास है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, इसकी प्राइस है 24,000 पर मुझे पड़ा है 22,000 समथिंग का क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कुछ डिस्काउंट था इसमें। तो चलिए इसकी फाइनली अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने इस पोको F1 पे एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, तो अगर किसी को वो वीडियो देखनी हो तो ज़रूर से मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर मैं इस वीडियो का लिंक ज़रूर से डाल दूँगा। तो गाइस ये रहा हमारा मेन बॉक्स जिसके अंदर रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन पोको F1। सामने देखो तो लिखा है पोको बाय Xiaomi, इधर पर है पोको F1, यहाँ पर भी लिखा है पोको F1। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर मेंशनड है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 845 जो कि क्वालकॉम का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है जो कि इस वक्त इस पर पोको F1 में क्लॉकड है 2.8 GHz तक। और इसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पर वह लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो कि इस पोको F1 में प्रोवाइड कराई गई है। और तीसरा है यहाँ पर AI ड्यूअल कैमरा जो कि 12+5 MP के सेटअप के साथ आ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें दे दी है MI ने एक 4000 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है क्विक चार्ज 3.0 को जो कि करता है आपके फ़ोन को काफ़ी तेज़ी से चार्ज। तो जो वेरिएंट अभी हमारे पास है वो है ग्रेफाइट ब्लैक 6GB और 128GB वाला मॉडल, तो ये पड़ा है हमें 24,000 का। अगर इस बॉक्स को हम फाइनली यहाँ पर अब ओपन करते हैं कुछ इस तरह से, तो सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन आया हमारे पास जो शायद हमें पता है कि क्या हो सकता है इसके अंदर पे, तो देखते हैं हम इसको निकाल के यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर तो है एक बेसिक केस जो कि शायद TPU होगा और ये ट्रांसलूसेंट है ब्लैक से कलर के शेड में। इसे रखते हैं हम एक बार के लिए साइड में और देखते हैं और क्या है यहाँ पर। यह है कुछ बेसिक पेपर वर्क जो कि आता है शायद इंग्लिश में, जी हाँ इंग्लिश में आएगा और ये चाइनीज़ में भी है, तो चलो दोनों लैंग्वेज में दे दिया है फिर काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर सामने रखा हुआ है पोको F1, इसको निकालते हैं हम एक बार इस तरह से और रिमूव कर देते हैं इसकी फ्रंट प्रोटेक्शन को कुछ इस तरह। तो यार काफ़ी मज़ेदार सा लग रही है इसकी स्क्रीन दिखने में। सामने की तरफ इसकी स्क्रीन है 6.18 इंचेस की जो कि आती है एक नॉच वाले डिस्प्ले के साथ में और यहाँ पर दिए कैमरा कुछ सेंसर उसकी हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ एक बार के लिए बूट और देखते हैं कितनी देर में होता है ये बूट। तो बूट होते ही यहाँ पर लिखा आया है पोको बाय Xiaomi, तो यहाँ पर कुछ बड़ा रोल है शायद येल्लो कलर का जो कि हर बार आ जाता है ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में। नीचे लिखा हुआ आ रहा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड और जब तक ये खुलता है तो खुल गया है, तो इसे एक बार मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज सेट कर लेते हैं हम लोग, इंग्लिश सेट है। तो अब बारी आती है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेटअप करने की, तो जल्दी से मैं फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेता हूँ और साथ में लगा लेते हैं हम एक पैटर्न सिंपल सा ऐसे ही फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। तो एक पैटर्न लगा लेते हैं आसान सा कुछ ऐसा यू के शेप में, तो एक और बार से इसे हम यू कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमारा पैटर्न यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है और अब बारी आती है फिंगरप्रिंट सेटअप करने की, तो वो मैं कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेटअप हमारी हो चुकी है, इसे भी हम चेक करेंगे बाद में कि कितनी तेज़ है। यहाँ पे थीम चूज़ करने के लिए आ रहा है तो हम पोको की ही थीम चूज़ करेंगे और सेटअप हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब जब तक ये थोड़ा और बूट हो रहा है तब तक मैं आपको फिजिकल ओवरव्यू के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। राइट की तरफ अगर हम जाएँ तो यहाँ पर आपको पहले देखने को मिल जाएगा एक पावर लॉक अनलॉक बटन, उसके ऊपर मिल जाएंगे आपको वॉल्यूम रॉकर्स। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो आपको पहले देखने को मिलेगा एक 3.5 mm का जैक और उसके बगल में है एक प्राइमरी माइक्रोफोन। लेफ्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है एक सिम ट्रे जो कि है हाइब्रिड सिम स्लॉट, या फिर आप लगा सकते हैं दो सिम या फिर आप लगा सकते हैं एक मेमोरी कार्ड और एक सिम।
मेरे हिसाब से 128 GB काफ़ी होते हैं, तो यार ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर आपको कोई भी मेमोरी कार्ड की। और यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको पहले देखने को मिल जाएगा USB टाइप सी पोर्ट, और इस तरफ है फ़ोन का स्पीकर, और एक है यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन। बस यही है कुछ ओवरव्यू फोन के बारे में। अगर पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। अगर आप देख पाएँ तो ये रेड सा सर्कल भी बना है कैमरे के बाहर, काफ़ी चमकदार सा कैमरा लग रहा है। यहाँ पर तो है 12 MP का कैमरा, यहाँ पर है 5 MP का कैमरा। 12 MP वाले कैमरे की बात करें तो इसका अपर्चर है f1.9 और पिक्सल साइज है इसका 1.4 microns का। अगर सेकेंडरी कैमरे की बात करें जो कि है 5 MP वाला, इसका अपर्चर है f2.0 का और जो पिक्सल साइज है वह है यहाँ पर 1.12 microns का। उसी के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है फिंगरप्रिंट जो कि हम यूज़ करेंगे बाद में। और यहाँ पर है एक ड्यूअल टोन LED फ्लैश। तो बस यही है कुछ ओवरव्यू। नीचे लिखा हुआ है पोको और उसके भी नीचे लिखा हुआ है छोटा सा बस शाओमी। तो ये फ़ोन हो चुका है बूट, और यहाँ पर सामने की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक नॉच वाली डिस्प्ले आपको मिल जाएगी जो कि है 6.18 इंचेस की। काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, पर ये बेजललेस होने की वजह से फ़ोन के दिखता नहीं है कि ये काफ़ी बड़ा होगा फ़ोन। अब यहाँ पर एक बार इस फ़ोन को कर लेते हैं हम लोग अनलॉक, और कर लेते हैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड। यहाँ पर खुल चुकी है इसकी मेन स्क्रीन। जो थीम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो तो है पोको वाली, और अगर हम देखें तो ये है एक टिपिकल MIUI जो कि शायद होगा MIUI 9.6, ये मेरा अंदाज़ा है, देखेंगे बाद में कि कौन सा है। और एक बार के लिए हम इसे ऐसे आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, नॉच से नीचे करते हैं तब आपको नज़र आएगा नॉच, जो कि काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी लग रहा है दिखने में। यहाँ पर नॉच के बीच में छुपा हुआ है 20 MP का कैमरा जो क्या जाता है 4-in-1 pixel बिनिंग की टेक्निक के साथ में, जो कि आपकी सेल्फीज़ को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। उसके बगल में देखें अगर आपको तो यहाँ पर मिल जाएगा एक ईयर पीस, और उसके बगल में यहाँ पर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और उसके भी बगल में है यहाँ पर एक IR सेंसर। बेसिकली ये यूज़ होगा फेस रिकॉग्निशन के लिए, और भी ज़्यादा सिक्योर बनाया है यहाँ पर MI ने, तो देखते हैं कैसा है। तो ये टिपिकल MIUI है और थीम है पोको की। अगर आप यहाँ से मेन होम स्क्रीन से ऊपर करते हैं तो खुल जाते हैं ये ऐप ड्रॉअर, इसे भी कर लो। नीचे हम जाते हैं एक बार सेटिंग में और देखते हैं किस वर्जन पे काम कर रहा है। तो जाएंगे हम यहाँ पर अबाउट फोन में, तो डिवाइस नेम है पोको, ये तो हमें पता ही है, मॉडल नंबर पोको F1, और ये एंड्रॉयड वर्जन 8.1 पर काम कर रहा है जो कि है लेटेस्ट हमारा ओरियो, और सिक्योरिटी बेस्ट लेवल भी जुलाई का है। उसके नीचे अगर हम देखें तो MIUI वर्जन है यहाँ पर MIUI ग्लोबल 9.6, हाँ जो मैंने अंदाज़ा लगाया था ये वही है। और उसके नीचे हम देखें तो CPU यहाँ पर ऑक्टाकोर मिल जाएगा जो कि क्लॉक्ड है 2.8 GHz पे। नीचे अगर हम रैम देखें तो ये है 6 GB वाला वेरिएंट, और 128 GB में से यहाँ पर आपको फ्री मिलेगा 117 GB। बस यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, और मैं जल्दी से आपको एक बार इसके कैमरा का एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि कैसा है ये कैमरा। तो कैमरा ओपन करते हैं, यहाँ पर AI कैमरे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तो मैं जल्दी से स्पीकर की एक सैम्पल फ़ोटो लेके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है इसका कैमरा। अगर हम इस फ़ोटो को देखें ध्यान से तो यार ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। डिटेल तो इसमें काफ़ी देखने को मिल रही है मुझे, मतलब स्क्रैचेज़ वगैरह जो स्पीकर में पड़े हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, और कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड तो ब्लर करा है काफ़ी ठीक तरीके से, और कुछ कैमरा सैंपल्स इस वक्त आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बैकग्राउंड डिटेक्ट कर लिया है पोको ने। तो मैं आ गया हूँ अभी खुले में, और यहाँ पर जल्दी से हम लोग फेस को एनरोल कर लेंगे, और साथ ही में लगा लेंगे एक फिंगर प्रिंट भी, क्योंकि पिछली बार हमने जब सेट करा था फिंगर प्रिंट तो वो मैंने लेफ्ट वाले फिंगर का कर दिया था, तो अब मैं राइट वाले हैंड की फिंगर का करूँगा। जल्दी से कर लेते हैं हम इसको सेट, और बाद में मैं दिखाऊँगा कि कौन सा है कितना तेज़। उससे पहले हम यहाँ पर फिंगर प्रिंट एक ऐड कर लेंगे, उससे पहले डालते हैं अपना पैटर्न। जल्दी से कर लेते हैं इसको सेट एक बार दोबारा से, फिंगरप्रिंट हो चुका है सेट, और अब मैं दिखाता हूँ कि कितना तेज़ है इसका फिंगरप्रिंट। मैंने सुना तो ऐसा है कि लाइटिंग फास्ट है, पर एक बार खुद ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे ही मैंने टच किया ये अनलॉक हो गया, जैसे ही टच कर रहे हैं ये अनलॉक हो जा रहा है। थोड़ा क्लोजअप में देखो, कुछ ऐसे एंगल से दिखाता हूँ मैं आपको जो दिख जाए सही से। ये देखो,
यार ये तो फिंगरप्रिंट तो इसका बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और अब बारी आती है फेस एनरोल करने की, तो वो भी हम जल्दी से कर ही लेते हैं। इसमें ऐड फेस डाटा पर जाएंगे, पैटर्न कर लेंगे कंफर्म, और अब यहाँ पर फेस अनलॉक करने की। गुड, हाँ क्या नाम से है? मेरा टेक चैनल है एक। हाँ जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पर अपना फेस डाटा एनरोल, और एक बार डाल लेते हैं पैटर्न, और खुलेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखो ये दिखा रहा है किस तरह से करना है, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, हमें पता है। और अब मैं एक बार अपना फेस एनरोल कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये एडिट सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, इसको डन करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ अभी आपको फेस अनलॉक कैसा है इसका। अभी तो कर दिया इसको लॉक, तो जैसे ही से हम यहाँ पर बटन दबाते ही खुल रहा है, मतलब लॉक स्क्रीन भी नहीं आ रही है, सीधा ये खुल जा रहा है, ये देखो सुपर फास्ट। अभी मैंने यहाँ पर लॉक स्क्रीन ऑन करी है, अभी मेरा शक्ल इसके पास नहीं है, अभी मैं देख ही रहा हूँ इसकी तरफ। जैसे ही देखा अनलॉक, अब ये देख रहा है कैमरे की तरफ, जैसे ही मेरी तरफ देखता है वैसे ही खुल जाता है। आपको शायद यहाँ पर एक IR वेव दिख रही होगी आपको, एक पिंक पिंक से कलर की, वो मुझे नहीं दिख रही है, सिर्फ कैमरे में दिखती है, यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आपको इस जगह पर। तो ये IR वेव भेजता है फ़ोन किसी की शक्ल पे, और इससे आइडेंटिफाई हो जाता है उस आदमी की शक्ल, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है ये।